चले जाइए यहाँ से। क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए? तेरा वादा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार अली के साथ साथ तमाम घर वालों के सामने फाकिर की हकीकत आ ही गई। तो अली बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है कि फाकिर की वजह से उसने अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया, तो वो सारा से माफी मांगता है। लेकिन सारा अली से कहती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा फाकिर से, मैं हानिया को अपनी बहनों की जैसे समझती हूँ, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आपने जब फाकिर को खुद किसी लड़की के साथ देखा उसके बाद आपको भरोसा आया मुझ पर अपनी मोहब्बत पर। मैं बिल्कुल भी ये सोच नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। आपने तो ऐसा किया, आपके घर वालों ने भी मुझ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया, मेरे फैमिली को कितना बुरा भला कहा, मुझे कितनी ज़्यादा बातें सुनाई, तब भी आप चुप करके खड़े रहे, आपने अपनी मोहब्बत के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अले अब आप कैसी मोहब्बत मुझसे करते हैं कि आप अपनी मोहब्बत को कटहरे में लाकर खड़ा कर देंगे और अपनी मोहब्बत पर यकीन भी नहीं करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे मारिया ने तो सैम की जिंदगी अंजीरन की हुई है। सैम जिसे मालूम हो गया कि बिलाल ने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया बिलाल ने, मारिया खुद ही बिलाल और सैम की बातें सुन लेती है। तो व्यूअर्स आपको लगता है, आपको क्या लगता है, क्या मारिया बिलाल को लेकर सैम से अलग हो जाएगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।